सतना जिले के मझगवां की आदिवासी बस्ती में कॉलरा डायरिया फैल रहा है और 4 लोगों का इलाज जिला अस्पताल में जारी है, जबकि बड़ी संख्या में यहां पर ग्रामीण बीमार हैं और बीमारी फैलने के बाद से ही बस्ती के लोग दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। ग्रामीणों के मुताबिक गांव में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है और जबकि प्रशासन का दावा है कि यहां पर गांव में हुई मौतें डायरिया से नहीं हुई हैं बल्कि अन्य बीमारियों की वजह से हुई हैं। बीते दिन खबर चलने के बाद प्रशासन की नींद टूटी और जिसके बाद मंगलवार को जिला कलेक्टर पूरे जो है शासन प्रशासन के साथ मेडिकल टीम को साथ लेकर इलाकों में पहुंची और साथ ही मरीजों को यहां पर चिन्हित कर उपचार की समुचित व्यवस्था की गई। डायरिया के ज़्यादा केसेस नहीं मिल रहे हैं, ज़्यादा केसेस से सिर्फ कल ही मिले थे, करीब 10-12 केसेस मिले थे। अब छुटपुट केसेस आ रहे हैं हल्के फुल्के, और बुखार जो सीजनल फीवर है, वायरल फीवर, इसके ज़्यादा केसेस मिल रहे हैं। मेरे तरफ स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि इतवार तक वहाँ टीम 24 घंटे रहेगी और जो भी केसेस होंगे उनकी दवा तो करेगी ही, ब्लीचिंग करेगी। प्रत्येक घर का हम सर्वे करा रहे हैं वहाँ और उसके आसपास के जो गांवों का है, और जो भी केसेस है उसका ट्रीटमेंट के साथ साथ ब्लीचिंग, ओरल डिहाइड्रेशन पाउडर का वितरण, क्लोरीन टैबलेट का वितरण किया जाएगा और 24 आवर्स टीम वहाँ रहेगी, एक एम्बुलेंस रहेगी अगर कोई रात बिरात किसी की तबीयत खराब होती है। के तौर पर यहाँ का जो कुएं का पानी है जिसको लोग पीते हैं उसका ट्रीटमेंट करा रहे हैं। ऑलरेडी पाइपलाइन के माध्यम से भी यहाँ पर पानी की सप्लाई हो रही है, उसको व्यवस्थित करने के लिए बोला है। पूरी मेडिकल की टीम यहाँ पर लगी हुई है जो एक बार लोगों का परीक्षण कर रही है, बट ऐसे कोई भी गंभीर लक्षण किसी में नज़र नहीं आया। कुछ 2-3 पेशेंट ऐसे भी हैं जो एडमिट हैं जिनको उल्टी दस्त की हल्की फुल्की समस्या हुई थी, लेकिन वो भी सामान्य है अभी। जो 11 दिन में की बहुत उल्टी दस्त। और फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही, नमस्कार।